देश जिस प्रकार से 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है उसका असर जम्मू में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो हैं जम्मू बस स्टैंड में इकट्ठे हुए हैं। ये लोग जो थे कुछ तो स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग और जो थे अपने अपने इलाकों में जाने के लिए आए हैं, मगर यहाँ पर जो है इनको अभी कोई भी इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है कि ये जा सके। बसेस जो हैं वो बंद कर दी गई, मगर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को इनकी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का भारी नफरी है यहाँ पर, और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं। ये लोग जाना चाहते हैं अपने अपने एरियाज़ में। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ जाना चाहते हैं और ये यहाँ पर इतने दिनों से यहाँ पर क्या कर रहे थे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नसीम परवाना है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं राजौरी से हूँ सर। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या घर जाना है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, कितना प्रॉब्लम आ रहा है? सर घर जाना है, मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ गाड़ी का इंतजार कर रही, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। सुबह से 2 गाड़ी उन्होंने पूंछ के लिए भेजी, पहले पूंछ की जाएगी उसके बाद राजौरी की जाएगी, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं है। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक उतना इंतजाम नहीं हो रहा जितना किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप बताइए सर आपका क्या नाम है? जी अयान वानी। आपने कहाँ पे जाना है? मैं डोडा जा रहा हूँ। आप बताइए आप कब से खड़े हैं यहाँ पर और गाड़ियाँ क्या कहीं कोई सुविधा है, सरकार क्या बोल रही है? सर एक्चुअली में हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे, नींद भी नहीं की है रात को, तो अभी तक कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार से सिचुएशन बनी है क्या लगता है, थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि इतनी भीड़ भाड़ इलाके में आप रह रहे हैं? सर ओब्वियसली डर तो लगता ही है, वो तो डर तो लगना ही, लेकिन ऐसे भी जो लोग मतलब अगर कोरोना से बचेंगे लेकिन ऐसे मर जाएंगे वो बाहर के जो हालात हैं। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या है सिचुएशन ग्राउंड की। आप बताइए क्या नाम है आपका? अशरफ। कहाँ जाना है आपको? किश्तवाड़। तो क्या गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही है? नहीं सर। तो क्या पुलिस वाले हैं यहाँ पे लोग हैं उनसे बात हुई, क्या बोल रहे हैं आपको? सर बोल रहे हैं आ जाएगी गाड़ी अभी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का भारी बल है, यहाँ पे काफ़ी जो है SRTC की बसेज यहाँ पे लगी हैं, कुछ बसेज जो हैं अभी फिल भी की गई हैं, ये शायद अपनी डेस्टिनेशन को जाएंगी। अभी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? सर पुंछ। तो क्या आपको गाड़ी आराम से मिल गई? कितनी देर यहाँ वेट करना पड़ा? सर कोई 1-2 घंटे वेट की हमने यहाँ पे गाड़ी के लिए, फिर हमें आराम से गाड़ी मिल गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिल रही है सपोर्ट, और उन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करके हमारे लिए गाड़ी प्रोवाइड की है और गाड़ी हमें मिल गई अच्छे से। इंशाल्लाह हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे टाइम पर। तो आपके साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ इन्होंने कोई मास्क वगैरह नहीं पहना है, आपने भी नहीं पहना है, क्या आपको अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में? पहना हुआ बस, अवेयरनेस तो है लेकिन पहना हुआ बस, इस वक्त नहीं था। तो क्या सरकार क्या कह रही है आपको कि क्या आपको आराम से पूंछ तक पहुँचा दिया जाएगा? बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, हमें गाड़ियाँ भी अवेलेबल की हैं और टिकटें भी मिली हैं लाइन लगा के अच्छे तरीके से। अब उन्होंने बोला है कि आप आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। तो क्या लगता है सरकार का जो फैसला 21 दिन का लॉकडाउन करने का, उसको आप कैसे देखते हैं? वैसे इसमें अगर सरकार आवाम का तावन करेगी तो आवाम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। जो दूर दराज लोग हैं मजदूरी कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कुछ करेगी तो वो बहुत परेशान होंगे। चाचा आपने कहाँ जाना है? किश्तवाड़। हमें तो गाड़ी नहीं मिल रही है, हम परेशान, किश्तवाड़ के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पे लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या बोल रहे हैं आप? ये तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहे हैं। हम तो इनको कह रहे हैं कि हमें गाड़ी किश्तवाड़ के लिए दे दो, तकरीबन 350 आदमी यहाँ पर पड़े हुए हैं, परेशान हाल है। या तो गवर्नमेंट हमारा इंतज़ाम करे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम सफ़र में हैं, मुसाफिर हैं। सर आपने कहाँ जाना है? सर मैं जी के रोडवे का ड्राइवर हूँ। अच्छा सर आप मुझे बताइए कितनी बसेज यहाँ पे लगाई गई हैं और कैसी सुविधा दी जाए? जी सर हमारे ऑफिसर को पता है, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे ऑफिसर को पता है कम से कम 30-32 गाड़ी हैं जो हमारी रूट पे जा रही हैं, पुंछ के लिए, रजौरी के लिए, सिरनर के लिए, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, सब जगह जहाँ जहाँ सवारी जाना चाहती है। आपको लगता है कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक है इसलिए ये थोड़ा डर रहे हैं, अदरवाइज जो फैसिलिटी है सरकार दे रही है? हाँ जी सरकार दे रही है, पूरी फैसिलिटी दे रही है। तो अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर अथॉरिटीज़ के कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे क्या है ग्राउंड की सिचुएशन और कैसे उसको ये जो है वो और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे हमसे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।
आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर जो है काफ़ी लोग जो हैं अभी भी रश है। जिस प्रकार से लॉकडाउन की बात की जा रही थी उससे आप देख सकते हैं लोगों को काफ़ी असुविधा भी हो रही है, क्योंकि लोग जो जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनको एकदम पता लगा जबकि देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, तो वो लोग पैनिक में आ गए और वो लोग अब अपने घरों को जाना चाहते हैं, मगर सुविधा उनको प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। सरकार ने अभी बसेस वगैरह लगाई हैं मगर अभी लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो और एरियाज़ में जाना चाहते हैं। अभी कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, इनसे जानेंगे कहाँ जाना है इनको। कहाँ जाना है माता जी आपको? ठाठी ठाठी। तो गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही है? खबर गया है वाली टिकट साट नहीं तो। अच्छा क्या बोला आपको कि आप कितनी देर से बैठे हो यहाँ? ऐसे शुरू पाड़न ये थी ना तो थी असल में कोई दवा वो दो नहीं। कितना टाइम हो गया इधर बैठे हुए? जितने घंटे को सुबह से तो ये 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। इनको अभी जो है इनका कहना है कि अभी जो है टिकट्स वगैरह की जो है लाइन लगी हुई है और इनका कहना है कि अभी ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इनको डोडा वगैरह के लिए जो है वो टिकट्स वगैरह मिल जाएं। सीट एक